तो हेलो गाइस, तो आज हम देखेंगे यार कि डिक्शनरी कैसे काम करती है और फाइल लूप के बारे में भी पढ़ेंगे, और हम इसके आने वाले अगले वीडियो में अपन गेम बनाना सीखेंगे। तो देखते हैं कौन सा गेम बना, तो चलते हैं अब। यहाँ हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर, और जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारी पुरानी जो कोडिंग थी, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया है। बट मैं सोच रहा हूँ कि इसको डिलीट कर दूँ, ये अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो मैं एकदम फ्रेश स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, स्क्रैच 1 पाई जो है, ये सब मशीन लर्निंग के हैं, तो मैं ये भी सिखाऊंगा। ये गेम का है, ठीक है, तो ये भी अपन सब सीखेंगे बाद में। बट अभी अपन क्या सीखेंगे कि कैसे अपन डिक्शनरी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सपोज़ मैं एक वेरिएबल दे देता हूँ var1। ठीक है, var1 इज इक्वल टू, इसमें क्या होता है ना, जैसे अपन ने लिस्ट में देखा था, ठीक है, तो हमें एक स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते थे, एंड यहाँ पे अपन किसका इस्तेमाल करेंगे, कर्ली ब्रैकेट का। ठीक है, तो कर्ली ब्रेसिस का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई भी चीज़ अपन डिफाइन करेंगे जो कि स्ट्रिंग के अंदर होगी। ठीक है, तो सपोज़ मैंने ऐसे दे दिया, एंड देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं देता हूँ, इसको मैं देता हूँ राइट है ये। ठीक है, तो देखो ये डिक्शनरी में होता क्या है ना, कि आप क्या करते हो कि देखो, आप कोई भी चीज़ है ना, कोई भी चीज़ है, तो आप उसको यूनिकली डिफाइन करते हो कि वो शो क्या करेगा, राइट शो करेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे RIG भी लिख सकता था, जैसे अपन ने मंडे ट्यूसडे को अपन MON लिखते हैं तो अपन बताते हैं अच्छा ये तो मंडे है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अपनी इस डिक्शनरी के अंदर आती है। ठीक है, तो सपोज़ मैं इसे क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ। ठीक है, मैं करता हूँ var1। ठीक है, var1, देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अपन अगर इसका इस्तेमाल करें, अभी तो डॉट के नहीं बताऊँगा, अभी तो मैं तुम लोग को बताऊँगा कि अगर अपन इसका इस्तेमाल करें तो देखो क्या होता है यहाँ पे, अपने को क्या मिलता है। ठीक है, तो देखो अपने को क्या पे शो कर रहा है, राइट। ठीक है, तो देखो यार ऐसे ही चीज़ें काम करती हैं। अगर अच्छा, मुझे और भी अगर नई चीज़ें डिफाइन करनी है तो मैं कैसे डिफाइन करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर गया, एंड देन उसके बाद मैंने लिखा, ठीक है, मैंने ये बना दिया, कुछ भी आप लिख भी सकते हो, इवन दो आप इवन नंबर भी दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ लेफ्ट। ठीक है, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ वेरिएबल को। ठीक है, तो var1। ठीक है, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये ठीक रहेगा, अच्छा ये तो है, ये डालते हैं। ठीक है, तो देखो अपने पास यहाँ पे मिल गया राइट एंड लेफ्ट। ठीक है यार, ये सारी चीज़ें तो अपन ने देख ली, यहाँ पे नंबर्स भी दे सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अगर मैं दे देता हूँ 0। ठीक है, मैं कहता हूँ कि भाई तू बता दे 0 क्या है। ठीक है, मैं ऐसे दे देता हूँ, तो क्या बताया, देखो मैंने 0 डाला, तो इसने, क्योंकि 0 किसके बराबर था, लेफ्ट के बराबर था। अच्छा, मैं चाहता तो मैं इसको ऐसे भी दे सकता था, मतलब स्ट्रिंग के अंदर भी डाल के दे सकता था, इसको यहाँ दे देता और ऊपर भी मैं यहाँ पे स्ट्रिंग दे सकता था। ठीक है, बट ये स्ट्रिंग बन जाता। तो यार हमें अगर इंटीजर से वैल्यू पुट करानी है तो अपन इंटीजर का इस्तेमाल करेंगे, फाइन। तो अब भी देखो लेफ्ट ही प्रिंट हुआ। ठीक है, तो मैं आप कुछ भी दो, आप स्ट्रिंग बना दो उसको या इंटीजर रखो, वो वही चीज़ प्रिंट करेगा। ठीक है, ठीक है यार, अब मैं इसी के नीचे एक बार डिक्शनरी वाला पार्ट अपने यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर कमेंट में कि डिक्शनरी पार्ट है। ठीक है, डिक्शनरी वाला पार्ट है, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ कि अपन अब यहाँ पे लूप्स देखेंगे। ठीक है, लूप्स नहीं, वाइल लूप देखेंगे। ठीक है, फॉर लूप के बारे में अभी बात नहीं की है, तो अभी नहीं करेंगे, तो अपन देखेंगे वाइल लूप के बारे में। ठीक है, अच्छा भाई, ठीक है,
तो सपोज मैं यहाँ पे आई इज इक्वल टू, क्योंकि आई बहुत कॉमन है, अपन उसी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू अगर मैं 0 लिखता हूँ, ठीक है, और वाइल लूप का कमाल देखना बड़ा ही सही रहता है, ठीक है। अगर ये लेस देन 100 होगा, है ना, मुझे 100 तक अगर प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँगा, ठीक है। तभी मैं तुम लोग को एक सिंपल प्रिंट करके दिखा देता हूँ, ठीक है, कि अगर मैं इस तरह अगर कुछ करने जाऊँगा तो सोचो क्या होगा। ये 0 0 कब तक प्रिंट करता रहेगा, इनफाइनाइट टाइम। क्यों? क्योंकि भाई ये 0 से, मतलब आई जो है वो 100 से तो छोटा ही है ना, बढ़ थोड़ी ना रहा है, तो ये 0 0 लगातार प्रिंट कर रहा है, फाइन। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं आई को हर बार इंक्रीज करता जाऊँगा, तो मैं क्या लिखूँगा, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ, या तो मैं ये भी लिख सकता हूँ जो मैं अक्सर लिखता आ रहा हूँ, ठीक है। अब GUI के कोर्स में आपने देखा होगा कि मैंने इसका काफ़ी इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, अपने को काउंटिंग मिल गई है ना, पूरी 1 से लेके 100 तक की, ठीक है यार, ये भी सही है। अच्छा तुम कहते हो तो मैं मान लेता हूँ, ठीक है, मैं इस प्रिंट स्टेटमेंट को हटा देता हूँ, एंड मैं यहाँ पर लिखता हूँ इफ अगर आई इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 इक्वल टू लगेंगे, ठीक है। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर, मैंने 2 क्यों लगाया, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि यहाँ पे उसे उसे दिखाना पड़ेगा कि ये 70 के इक्वल है, ठीक है। ये चीज़ अपने को दिखा, अगर अपन डायरेक्ट सिर्फ अगर इक्वल लिखते, सपोज ऐसे लिखते, तो पूरा एरर शो करेगा आपको, ठीक है, कहेगा भाई कोलन या तो एक्सपेक्ट कर रहा है वो, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे तू जा, एंड देन उसके बाद, अरे सॉरी, देन आई को हम इक्वल करते हैं 70 के, फाइन। एरर क्यों आ रहा है यार, इफ आई इज इक्वल टू, ठीक है, 70, देन मैं क्या पे क्या करूँगा कि देन तुम क्या कर दो, तुम मुझे प्रिंट कर दो, क्या तो मुझे ऊपर वाला ही बल्कि प्रिंट कर दो, ठीक है, वेयर वन, है ना। अब अपन बहुत सारी चीज़ें साथ में इस्तेमाल करेंगे, वेयर वन, और जो हमने यहाँ पे किया था, मैं इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि बार बार प्रिंट होगा ये हमें पसंद नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसे कमेंट आउट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि ये लिख देता हूँ, ठीक है, चलो प्ले करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, राइट। अच्छा तुमने कहा था देखो सिर्फ 70 होगा तो राइट प्रिंट होगा, बट यहाँ पे तो मुझे दिख नहीं रहा कि नंबर प्रिंट कहाँ हुए, वो एक्चुअली में पीछे हो चुके हैं प्रिंट, यहाँ पे दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट का जो ऑप्शन था वो हटा दिया था, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा आई, तो अब मुझे दिखेगा सब कि ये एक्चुअली में पीछे चल के रहा है, ठीक है। तो अगर आप अब मैं करूँगा तो मुझे ये चीज़ दिखी है, ठीक है। ठीक है, देखो मुझे क्या पीछे दिख रहा है, ये दिखाता हूँ आपको 70 का है, ये देखो 70 के बाद क्या कि उसने प्रिंट किया राइट, ठीक है। तो यहाँ पे 70 प्रिंट हो गया, एंड देन उसके बाद उसे पता चला ओ आई इज इक्वल टू 70 है, अच्छा मुझे प्रिंट करना था क्या राइट, ठीक है। तो उसने राइट प्रिंट कर दिया, एंड देन उसके बाद ये पूरा प्रोसेस हुआ, ठीक है यार। तो देखो वाइल लूप जो है ना वो कुछ ऐसे ही काम करता है, मैंने इफ स्टेटमेंट का भी इसके अंदर इस्तेमाल तुम लोग करके दिखा दिया है, ठीक है। वैसे अगर देखो तो वाइल लूप तब तक एंड नहीं होगा जब तक कंडीशन क्या नहीं हो जाती, फॉल्स, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे तुम लोग को यही चीज़ दोबारा करके दिखाता हूँ। अब इस बार मैं क्या सोच रहा हूँ कि इस बार मैं तुम लोग को करके दिखाता हूँ कि अगर ये 60 के इक्वल है, ठीक है, देन तुम क्या करो, प्रिंट करो हे, ठीक है, और एल्स। अब देखो मैं यहाँ पे एल्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैंने एलिफ का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं एल्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे तो यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा, सॉरी फ़ोन आ गया था। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा क्या कि क्या प्रिंट करूँगा मैं यहाँ पे, हेलो, ठीक है। तो अब देखते हैं होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या आया, तुम लोग देख सकते हो कि
यहाँ पे आया वन एंड देन क्या आया हेलो, ऐसा क्यों हुआ? देखो जब तक ये 60 नहीं हुआ, ठीक है, इफ़ आई इज़ इक्वल टू 60, ठीक है, तब तुम क्या करो प्रिंट, वरना तुम हेलो को प्रिंट करो, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, देखो आई वन जब हुआ तो उसने ये वाली कंडीशन क्या कर दी, फॉल्स कर दी। देन उसने एल्स वाली कंडीशन दी, ओ प्रिंट करना हेलो, ठीक है, उसने हेलो प्रिंट कर दिया। देन सेकंड आया हेलो, देन फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ठीक है। देन उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ये 60 पहुंचा तो इसने क्या प्रिंट किया, हे hey, इसने हेलो नहीं प्रिंट किया। फाइन, तो यार देखो ऐसे ही अपन इस पर काम करते हैं। मैं इस एल्स को हटा देता हूँ, ठीक है, मैं आई कॉमा सपोज़ मैं 50 लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा इससे, देखते हैं क्या होगा। तो देखो सबके बगल में क्या आ गया, 50 50 50, ठीक है, बट 60 के बाद क्या हुआ, यहाँ पर सिर्फ आ गया हे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं। और मैं आपको क्या दिखाऊँ कि हाँ, अगर मैं आपको ऐसा दिखाता हूँ कि चलो मैं एक बार यहाँ पे क्या करता हूँ कि इफ़ आई नहीं 100, ठीक है, से छोटा और इक्वल टू अगर आई है एंड आई अगर ग्रेटर देन 60 है, और मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे मैं दे देता हूँ 60, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 55, ठीक है, एंड इसको मैं हटा देता हूँ, ये वाला तो आपने देख ही लिया। अब मैं प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ क्या होता है, ठीक है। तो उसने क्या किया, इनवैलिड सिंटैक्स, ओ उन्होंने यहाँ पे ठीक है, तो आई क्या होना चाहिए, 60 से अगर बड़ा है, 60 से बड़ा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 70, ठीक है, ये इसकी वजह से नहीं आया, वो इनवैलिड सिंटैक्स इसकी वजह से आया था, ठीक है, मैंने कोलन नहीं लगाया था। तो देखो इसने क्या किया, मुझे 71 से इस ये प्रिंट करना शुरू किया। देखो 70 था, ठीक है, तो ये 60 से बड़ा है और 100 से छोटा है, ठीक है। तो अब वाइल लूप क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, वरना वाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं आप लिख देता हूँ 50, तो अब देखो क्या वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा, कुछ नहीं हुआ, देखो खाली है, ठीक है। तो आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि क्या अपन कर रहे हैं यहाँ पे। फाइन, तो यार ऐसे ही काम करता है। एक बार मैं आपको दोबारा यहाँ पे 670 लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है, कि 50 के साथ क्या होता है। अच्छा, आई इज़ इक्वल टू 50 है ना, तो मैं इसको कर देता हूँ 80 कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 80 के बाद क्या आ गया, हे, ठीक है। तो देखो ऐसे ही वाइल लूप काम करता है। आगे चल के हम बहुत सारे गेम्स सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि वाइल लूप का बहुत बड़ा हाथ होता है गेम बनाने में, ठीक है। फिर अपन फॉर लूप भी देखेंगे कैसे क्या काम करता है, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।